हाँ तो भाई लोग अचानक से ये स्कैम का सीजन चालू हो गया है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि तूने स्कैम किया तू स्कैम कर रहा है। एंड भाई समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, जहाँ पे कई लोग कोर्स बेचकर स्कैम कर रहे हैं, कई लोग वन ऑन मेंटोरशिप देकर स्कैम कर रहे हैं, कई भाई स्टेज पर खड़े होकर लाखों लोगों को एक साथ ही स्कैम कर रहे हैं, एंड कई सारे ऐसे हैं जो 100-200 लोगों को एक कमरे में बंद करके उनको अपनी तरह सोचने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, जो कि एक तरह का स्कैम ही कह सकते हैं। लेकिन भाई इससे भी एक बड़ा स्कैम अभी रिसेंटली देखने में आया, जब अभी जो रिसेंट की जो मूवीज़ रिलीज हुई थी उनकी फेक बुकिंग्स का सच सामने आया, जहाँ पे इसको काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स ने कवर करते हुए बताया कि भाई जब वो ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो मूवी की बुकिंग्स में हाउस फुल दिखा रहा था, बट जब उन्होंने फिजिकली उस जगह पे जाके वेरीफाई किया तो पता चला भाई पूरा थिएटर खाली है, वहाँ पे कोई भी आया नहीं है, एंड भाई जो भी ऑनलाइन दिखाया था वो सब फेक बुकिंग्स थी। खैर ये कोई बिल्कुल ही नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसी काफ़ी सारी फेक बुकिंग्स की न्यूज़ सुन रखी है, जहाँ पे छोटी मोटी मूवीज़ नहीं काफ़ी बड़ी बिग बजट मूवीज़ को ऐसे ही हाइप में बनाया जाता है। I mean, वो फेक बुकिंग्स दिखा देते हैं एंड देन लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई ऐसी कौन सी मूवी है जिसकी शोज़ इतने हाउसफुल जा रहे हैं, एक बार इसको देखना तो बनता ही है। यहाँ पे भाई इसको आम भाषा में कॉर्पोरेट बुकिंग्स कहते हैं, जहाँ पे लोग इसको पूरा पूरा शो ही बुक कर लेते हैं या फिर थिएटर को पैसा देकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई थिएटर पूरा हाउसफुल चल रहा है, एंड लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि भाई अगर हाउसफुल चल रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी मूवीज़ में एंड इसको देखना ज़रूर चाहिए। खैर अगर मैं पर्सनली इस पर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये कोई भी गलत बात नहीं है कि कोई अपने प्रोडक्ट को इस तरह से अगर मार्केट करना चाहता है तो। यहाँ पे भाई इससे ही मिलती जुलती मेरे को एक रेडबुल की मार्केटिंग याद आती है, जब उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में रोडों पे खाली कैन से फेंक दिए थे ताकि लोग उसको नोटिस करें एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एटलीस्ट एक बार उसको टेस्ट करें। यहाँ पे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी इस बात को देखकर पैदा होती है कि भाई अगर इतनी सारी कैंस रोड पे पड़ी हुई हैं इसका मतलब ये ड्रिंक इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसको ट्राई कर रखा है, उसी के चलते लोगों ने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया है एंड अब तुम जानते हो रेडबुल किस जगह पे है। तो भाई सिमिलरली कुछ ऐसा ही अपने ये बॉलीवुड की पीआर टीम वगैरह ट्राई करती रहती है कि लोगों के अंदर हाइप बन जाए किसी चीज़ को लेकर एंड बाकी काम वर्ड ऑफ माउथ कर दे। जहाँ पे भाई मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 4 दिन की चांदनी जैसा कुछ है कि भाई अगर तुम्हारा निशाना ठीक लगा तो ठीक है, बाकी काम वर्ड ऑफ माउथ ही कर देता है। लोग एक दूसरे को ही सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये वाली मूवी देख ये वाली ज़्यादा अच्छी है, लेकिन भाई अगर निशाना सही नहीं लगा तो तुम लोग जानते हो आजकल के लोंडे कितने ज़्यादा हरामी है, मतलब हम लोग तो भाई एंड भाई एक चीज़ तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आती है कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग टीम है एंड ये क्या फूक के मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे भाई अभी एक रिसेंटली न्यूज़ सुनने में आई है कि बिहार के एक ऐसे थिएटर को इन्होंने हाउसफुल दिखा दिया जो कि 6 साल से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई गया भी नहीं है, वो थिएटर चल भी नहीं रहा एंड उसको ये लोग ऑनलाइन हाउसफुल दिखा रहे हैं। तो तुम लोग समझ सकते हो भाई ये लोग क्या ही, मतलब ये लोग रिसर्च भी करते हैं या नहीं करते हैं पता नहीं, समझ नहीं आता। खैर तुम लोग बताओ कि इस चीज़ को लेकर तुम्हारा स्टैंड क्या है, क्या ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है, अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना है एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।